वहीं नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ फोर्जरी की एफआईआर दर्ज की गई है। तो सुपरटेक के बिल्डर के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। डायरेक्टर मोहित अरोड़ा और कंपनी पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। एलएनटी फाइनेंस से मिलकर यहां पर ठगी की गई और एलएनटी हाउसिंग बैंक में यहां पर भी एफआईआर दर्ज की गई। इसी के साथ मैनेजर और बैंक के सीईओ पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। 22 लाख रुपए लेकर भी यहां पर कहा जा रहा है कि फ्लैट नहीं दिए गए हैं, फ्लैट बनाने की जगह यहां पर गड्ढे खुदे हुए हैं। इको विलेज वन प्रोजेक्ट में बेचा था यहां पर एक फ्लैट और इंश्योर रिटर्न देने का भी यहां पर झांसा दिया गया था। सेक्टर 58 थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले में फ्लैट बनाने की जगह कहा जा रहा है कि यहां पर गड्ढे खोदे गए हैं। इको विलेज वन पर यहां पर फ्लैट जो है वो दिया जाना था और सेक्टर 58 थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ यह एफआईआर हुई है दर्ज। तो एलएनटी हाउसिंग बैंक पर एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि इसी बैंक के साथ यहां पर मिलकर ये पूरा खेल हुआ। मैंने सुपरटेक के खिलाफ मुकदमे का दर्ज कराया है और उसमें जो है आर के अरोड़ा और उनके बेटे, उनका नाम है, और मैं वहां पे मैं वहां पे जब गया था सुपरटेक में, तो वहां पे कुछ बाउंसर थे, उन्होंने बदतमीजी की थी, तो अज्ञात बाउंसर है, मुझे पता नहीं कौन है। 3 बाउंसर के खिलाफ मैंने कराया है मुकदमा, और जो एलएनटी बैंक की तरफ से बैंक मैनेजर है उनके खिलाफ और एलएनटी बैंक के खिलाफ। कुल कितने रुपए की आपके साथ ठगी की गई है? टोटल अभी तक नियर अबाउट 22 लाख रुपए। और सुपरटेक बिल्डर पर शिकंजा यहां पर कसता देखा जा रहा है, जहां पर डायरेक्टर मोहित अरोड़ा और कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है फिलहाल, और एलएनटी फाइनेंस से मिलकर कहा जा रहा है कि यहां पर ठगी की गई थी। इस एलएनटी हाउसिंग बैंक पर भी एफआईआर इसी को लेकर यहां पर दर्ज की गई है। लोगों से यहां पर लाखों की ठगी, मैनेजर और बैंक के सीईओ पर भी एफआईआर लिखी गई है। साथ ही साथ 22 लाख रुपए लेकर कहा जा रहा है कि यहां पर फ्लैट नहीं दिए गए हैं, फ्लैट बनाने की जगह यहां पर गड्ढे हैं, यानी कि 22 लाख रुपए यहां पर लोगों से लिए गए और उसके बाद यहां पर उन लोगों को फ्लैट ही नहीं दिया गया जिनके पैसे, इंश्योर रिटर्न देने का भी यहां पर झांसा दिया गया था। और सेक्टर 58 थाने में गंभीर धाराओं में इस पूरे मामले को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है फिलहाल। तो वो बैंक जिसके साथ मिलकर यहां पर बिल्डर्स ने धोखाधड़ी की है, और इसी के साथ उसी बैंक के सीईओ पर भी ये मामला हुआ है दर्ज। तो फोर्जरी के एफआईआर को दर्ज कराया गया है यहां पर शिकायतकर्ता ने, इसकी जानकारी पुलिस को दी है। दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, यहां पर लाखों की ठगी जिन लोगों से की गई, तो उस पैसे को वापस लेने के पुलिस कैसे एक्शन ले रही है? जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उन्होंने क्या कुछ बताया है इस पूरे खेल को लेकर? बिल्कुल देखिए, अभी जो एक व्यक्ति है भारत आर, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। इनके साथ 22 लाख रुपए की ठगी हुई थी। 2017 में इन्होंने इको विलेज वन में एक फ्लैट अपना बुक किया था, और एलएनटी कंपनी जो कि सुपरटेक की तरफ से बताया गया था कि एलएनटी जो कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, वही उनके फ्लैट को फाइनेंस करेगी, लोन करेगी बिना परमिशन के, यानी जो ग्राहक है उनके बिना परमिशन के जो है जो पैसा था वो सुपरटेक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तकरीबन 18 लाख रुपए, 4 लाख रुपए इनसे पहले ही कैश ले लिए, चेक ले लिए गए थे। 18 लाख रुपए बिना बताए उनके अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से सुपरटेक बिल्डर ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। लगातार ये चक्कर काटते रहे, और जहां इको विलेज वन में जो फ्लैट इन्होंने खरीदा था, जिसको बुकिंग इन्होंने कराई थी, वहां पर गड्ढे खुदे हुए हैं। वो फ्लैट भी अभी तक तैयार नहीं हुआ, यानी 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, वो फ्लैट भी इनको नहीं मिल रहा था। और साथ ही उनका जो पैसा था, जो एलएनटी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ वो हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है, उसने इनके साथ धोखाधड़ी करी, सुपरटेक बिल्डर ने इनके साथ धोखाधड़ी करी। उसके बाद इन्होंने 58 थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही सिर्फ अकेले भारत आर्य नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत आर्य के तरीके से फंसे हुए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, जो इको विलेज वन प्रोजेक्ट है उसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए उन्होंने। और एलएनटी कंपनी जो है, आरोप लगाया गया है कि एलएनटी कंपनी सुपरटेक के बिल्डर के साथ मिलकर काम करती है, यानी ग्राहक अगर परमिशन रिम्बर्स करने का नहीं देता है, उसके बावजूद भी पैसा रिम्बर्स कर दिया जाता है सुपरटेक को। यानी ये दोनों जो कंपनियां हैं, चाहे वो एलएनटी हाउसिंग कंपनी हो या सुपरटेक बिल्डर की कंपनी हो, ये दोनों मिली हुई है और ये मिलकर काम करते हैं और ग्राहकों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत गंभीर आरोप लगाए कि जब वो इनके ऑफिस सेक्टर 58 में, जो इनका ऑफिस है बी ब्लॉक पे, वहां पर वो जाते हैं तो वहां पर उनसे मारपीट करी जाती है। जो बाउंसर थे वो मारपीट करते हैं,
तो मोहित अरोड़ा, आर के अरोड़ा के जो बेटे हैं, उन्होंने मारपीट करी, उन्होंने गाली गलौज करी। मोहित अरोड़ा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें उनका बाकायदा नामजद एफआईआर करी गई है। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ नामजद एफआईआर करी गई है, और साथ ही एलएनटी कंपनी के सीईओ, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनके सीईओ और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पुलिस का जो पक्ष है वो बिल्डर के तरफ झुकता नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी गंभीर में अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी है। तो ये माना जा सकता है कहीं ना कहीं जो पुलिस ढीला ढवाली का रवैया है, उसकी वजह से जो बिल्डर हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं, और इसी तरीके से जो भोले भाले आम लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अपनी खून पसीने की जो कमाई है, गाड़ी कमाई है, वो प्रोजेक्टों में लगाते हैं और वो डूब जाती है। लेकिन अभी तक एक्शन कुछ नहीं है, इंतजार होगा एक्शन कब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।